पहले तो हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो इतना क्यों परेशान है, दो दिन से खाना भी नहीं खाया था, पूरा इधर उधर घूम रहा था। तो बाद में पता चला कि नहीं, ये प्रेग्नेंट है और अभी इनको बच्चा देने का शायद टाइम हो गया है। तो फिर दो दिन इनका बहुत ज़्यादा लिवर पेन हुआ रहा था, दो दिन तो कुछ कम नहीं हो रहा था, और रूम जा रहा था, बाहर जा रहा था, घूम रहा था। तो बाद में हम उससे सोचे कि नहीं, उनको एक बार डॉक्टर दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो भी बेजुबान है और आँखों का सामने इस तरह से हो रहा है तो देख के अच्छा नहीं लगता है। तो ये हम लोगों ने पाला है, पाला भैया मतलब ये बहुत ही छोटा था, जब कोई उसको रोड साइड में छोड़ बाद में ला के हम लोग इधर पाला है, तो छोटा में हम लोग दूध दूध खिलाया, उसको खिला के बड़ा किया है। तो फिर अभी बड़ा जब हो रहा है तो सामने में ऐसा हो रहा है तो देख के अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर हम लोगों ने इधर इसको एनिमल हॉस्पिटल, इधर बाजू में था एक प्राइवेट था, तो हम लोग यहाँ पर लेके गया। तो यहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर को दिखाया हम कि इसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर दिखाया, देखने के बाद बोला नहीं इसका तो बच्चा है और अंदर ही मर गया बच्चा, क्योंकि और वो उसका उम्र नहीं है बोल रहा है, अभी जो प्रेग्नेंट होने का अभी उम्र नहीं है उसका, बहुत छोटा है बोल रहे हैं, इसका अभी उम्र नहीं हुआ था, एक्चुअली मैच्योर उम्र नहीं हुआ था। तो उसके बाद बोले हम क्या करें, तो बोले डॉक्टर बोले नहीं इसका सर्जरी करना पड़ेगा और इसके लिए लगभग मिनिमम 20,000 रुपये चाहिए। तो फिर 20,000 सुन के भी थोड़ा ये लगा है, क्योंकि उस टाइम हमारा किसी का सैलरी नहीं भी हुआ और हम लोग भी इधर सिक्योरिटी करते हैं और हमको देखने को उतना 20,000 रुपया मतलब सडनली कहाँ मिलेंगे, क्या करेंगे, मतलब सोचने पड़ेगा। तो हम सभी लड़का से बात किया तो किसी के पास उनसे पैसे नहीं था। तो फिर हम लोग डॉक्टर तो दिखा के ऐसा लेके फिर आ गया हम लोग वापस। तो लेके आने के बाद फिर से हम लोग क्या करें सोचे, फिर गूगल में सर्च किया हमने कि गवर्नमेंट एनिमल हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो देख रहा है कि 2 किलोमीटर दूर में है। तो फिर हम लोग ओला बुकिंग करके तो फिर से इनको 3 आदमी लेके इनको फिर से गया, क्योंकि ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना, देखिए इतना बुरा। कोई कोई आदमी हमको भी ये भी बोल रहे थे कि आप लोग पागल हो गया, जितना इसका अंदर खर्चा कर रहे हो उससे आप लोग अच्छा बेहतर कुत्ता मिल सकते हो, आप लोगों को बेहतर डग मिल सकता है। उधर दिखाने के बाद वो डॉक्टर भी बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा इनको भी, वही डॉक्टर भी यही बोल रहा है कि आपको बचाना चाहते हो तो सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो ये लगभग 3-4 घंटे के अंदर मर जाएगा ऐसा बोल रहा था। तो सुन के बहुत बुरा लगा है। तो मेरा फ्रेंड लोग भी गए थे साथ में, तो लोग भी आके बोल रहे ऐसे सब बात है। तो देखिए इसको मतलब जब लेके आया फिर से चल नहीं पा रहा था, इसका हालत इतना ख़राब था। तो उस टाइम वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम मूड अच्छा नहीं था देखने में, बनाएंगे वीडियो सब मतलब वो सब याद ही नहीं रहता उस टाइम में, इतना ख़राब सिचुएशन था उसका। तो फिर देख के बहुत बुरा लग रहा है, मतलब खाना भी नहीं आ जा रहा था हम लोगों का अंदर किसी को, मतलब इतना सिचुएशन था उसका, बहुत दुख लग रहा था इसके लिए क्योंकि छोटा से इसको बढ़ाया। तो डॉक्टर भी बोल रहा है कि आप लोग इतना केयर किया हो इसके लिए, तो आप लोग देखो अगर हो सके तो आप लोग से सर्जरी कराओ, बचाना चाहते हो तो फिर ये बच जाएगा बोल रहा है, लेकिन नहीं तो फिर 3 घंटे का मर जाएगा। तो फिर हम लोग फिर लेके आया ओला से इनको हमारा ड्यूटी पोस्ट में, तो लाने के बाद इधर सबसे बात किया इधर, तो फिर पैसे हम सोचे हमने डिसीजन करके नहीं इसको जैसा भी सर्जरी कराना है चाहे जो भी हो। तो फिर हम लोग इधर फ्रेंड सर्कल में इधर उधर से पैसा का व्यवस्था किया हम लोग इसको, उसको फ़ोन करके जैसे भी हम लोग व्यवस्था करके 12 आदमी मिल के हम लोग 24,000 रुपया, हम 3-4 हज़ार रुपया ज़्यादा व्यवस्था की, क्योंकि सर्जरी करने के बाद मेडिसिन वगैरह तो लेना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग 24,000 रुपया जैसे व्यवस्था किया। तो फिर उतना पास भी सबका पास नहीं था, तो 2-3 आदमी ने पैसा दिया था, हम लोगों ने बोला कि सैलरी आने के बाद हम सबका पैसा बांटेंगे, तो सब मिलकर देंगे। हम लोगों ने फिर से ओला बुक किया, ओला बुक करके फिर 2-3 आदमी फिर इसको लेके गया है जहाँ पे पहले लेके गया था, जो एनिमल हॉस्पिटल नदी प्राइवेट, तो वहाँ पर जाके बातचीत किया ऐसे सर, तो लोग उनको बोला ऐसे हम लोग पैसा कलेक्ट किया है, तो लोग बोल रहे पहले तुम लोग क्यों बोला था उस टाइम नहीं, हम लोग भी बोले कि इस तरह से प्रॉब्लम था, पैसा नहीं था हमारे पास और ऐसे हम लोग इधर पे ड्यूटी करते हैं, ऐसा सबको मैटर जो मैटर है उनको बोला हो जो सच है, तो अभी हम लोग करेंगे, हम एग्री है बोला, तो बोला ठीक है। तो फिर जाके उनको टोमी को लेके गया तो वहीं पे, तो लोग जाके डॉक्टर को आया बात किया, तो फिर कुछ पेपर वगैरह दिया साइन ऑन करने के लिए, तो सब कुछ करने को तो वो सर्जरी के लिए लेके गया, तो लगभग एक डेढ़ घंटा था पूरा वहाँ पे। तो फिर सर्जरी हुआ है, बाद में हम लोग 5-6 फ्रेंड हम लोग गए उधर जाके देखा हूँ अंदर, मतलब सर्जरी किया, तो बोल रहे हैं हम लोग बोला कि अभी लेके जा सकते हैं कि बाद में सर्जरी होने के बाद, तो बोल रहे अभी नहीं, हम लोग रुक जाओ जब तक अभी बेहोश है, होश आ जाएगा तब लोग लेके जा सकते हो। तो बोला बाद में वो जो सर्जरी रूम से उनको लेके आया आके अलग से रखा है, तो फिर वहाँ पे जाके हम लोग देखा है टोमी को, टोमी देख के थोड़ा सुकून लग रहा है कि चलो ठीक है अच्छा है अभी। फिर जाके एक आधा घंटा उधर बैठ करके 2-2.5 घंटा था उधर, फिर हम लोग लेके फिर ओला बुक करके हम लोग लेके आए वहाँ पे, तो डॉक्टर भी बोला है उसको अच्छा से आप लोग ध्यान रखना है, खाना पीना में कुछ मसाला वगैरह नहीं देना है और सॉल्ट नहीं देना है, और अच्छा से आप लोग उसको ध्यान रखना है, अच्छा कपड़ा आप सब कुछ अपने में ध्यान रखना है, और मच्छर वच्छर आपको उसको इन्फेक्शन हो सकता है उसको ध्यान रखना है, तो उसको चिकन और पनीर चिकन और बॉइलिंग चिकन खिलाना बोल रहे हैं और दही खिलाना और मेडिसिन वगैरह सब कुछ दिया है। तो उसी हिसाब से हम लोग सुबह शाम नाइट को भी हम लोग चिकन लीवर जो भी लेके आते हैं 1 किलो लेके बॉइलिंग किलो करके हम लोग उसको सुबह शाम उसको वही खिलाते, सभी मिलके सभी लोग बहुत मैं ये किया है बहुत उसको देखभाल किया है,
डे शिफ्ट भी लड़का लोग भी डे किया, नाइट शिफ्ट भी आदमी भी डे बहुत देखभाल किया उसको। और उसका सर्जरी का एक दिन बाद फिर भी थोड़ा चल पा रहा था थोड़ा इधर इधर, तो हम लोग उसको बांध के रखा क्योंकि छोड़ने से वो किधर किधर चला जाता रहा। तो फिर जहाँ पे सर्जरी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सर्जरी हुआ हुआ है। तो फिर और सर्जरी के बाद उसके बाद अभी थोड़ा चल पा रहा है, मतलब अपना हिसाब से जो हम लोग छोड़ा हो तो फिर अपना हिसाब से चल रहा है, तो देख के भी अच्छा लग रहा है। मतलब एक तो हम लोग उनके बच्चा को नहीं बचा पाए लेकिन टॉमी बच गया है, तो देख के बहुत खुश लगा है हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग जब भी ड्यूटी में पेट्रोलिंग करने जाते हैं जंगल तरफ उधर उधर तो हमारा साथ में रहता है। तो ये सब का हमारा तो हमारा नहीं सबका फर्ज बनता है। एक्चुअली वो बेजुबान है, किसी को बोल नहीं थी, उनका प्रॉब्लम है और कितना पेन हो रहा था, और फिर अभी अच्छा हो गया तो देख कितना खुशी लग रहा है। और अभी ठीक है, सुबह से हम उनको मेडिसिन भी चल रहा है, स्प्रे भी दिया है। और फिर उधर से हम लोग सर्जरी होने के बाद 4 डे बाद फिर हम लोग लेके गए थे उधर, तो डॉक्टर इन्फेक्शन ना होने के लिए फिर स्प्रे वगैरह भी दिया है कि उसको डॉक्टर बोला है, पहले बोला था अगर कुछ ब्लड व्लड निकलेगा तो आप लोग लेके आ सकते हो तुरंत लेके आना, तो फिर कुछ ऐसा ब्लड व्लड कुछ आया नहीं। तो बाद में ऐसे हम लोग फिर से एक बार लेके गए, हम लोग बोला नहीं दिखाएंगे एक बार, तो फिर भी जाके मेडिसिन वगैरह फिर और लेके आए, स्प्रे भी दिया है उसको इन्फेक्शन ना होने के लिए, जहाँ पर सर्जरी हुआ है मतलब वो साइड में उसका मारने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर अभी ठीक है, इसलिए थोड़ा सुस्त है, अभी खाना पीना नहीं खाया था 2-3 दिन, तो अभी पूरा ठीक है चल रहा है। और मैंने भगवान को प्रे किया था अगर वो ठीक हो जाएगा तो मैं पूजा करूँगा संतोषी माता को, तो वो ठीक होने के बाद मैंने पूजा भी किया है। विन विन विनर, यू आर विनर टॉमी। आजा 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 टॉमी, हाय 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 टॉमी, तू भी अभी रिसेंटली सर्जरी हुआ है तेरा, तू क्यों झगड़ा करने जाता है? आजा टॉमी, हाय टॉमी टॉमी। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरा ड्यूटी पोस्ट में जो जो लड़का लोगों ने मिलके सबको टॉमी को हेल्प किया है, तो सबको मेरा तरफ से थैंक यू भाई, आप लोग नहीं होते तो ये सब नहीं होता था। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये सबका फर्ज बनता है एक्चुअली, ऐसा बेजुबान जानवर किधर भी कोई देखे इस तरह से प्रॉब्लम हो तो सभी उसको हेल्प करना है, एक अच्छा ही कदम किसी का ज़िंदगी बचा सकता है।